हमारे साथ सैयद शाहरज़ा साहब मौजूद है, आइए इनसे जानते हैं जीडीसी के बारे में क्या इनकी राय है। जीडीसी जिस तरह आपको पता है बेहतरीन सैर अफ्तार का एहतमाम करा रही है, कैसे हैं सैयद साहब? आप ये बताइए कि जीडीसी किस तरह सैर अफ्तार करा रही है, आपकी क्या राय है? कुछ कॉमेंट। अल्लाह पाक इनके रिजक में इजाफा करे और इनकी तौफीकात में इजाफा करे, इनको सेहत और सलामती दे। ये वाकई ऐसा काम किया है जब पूरे पाकिस्तान में बल्कि पूरे दुनिया में अब ये काम मशहूर है और ख़िदमत खल्क ऐन इबादत है। और ख़ास तौर पे आजकल की महंगाई के दौर में 20-25 हज़ार लोगों को रोज़ाना खिलाना कोई आसान बात नहीं है, लेकिन यहाँ मुनज़्ज़म तरीके से काम मैं देख रहा हूँ, बहुत अच्छा। और मैं ये इसी तरीके से गवर्नर साहब ने भी वहाँ एहतमाम किया है गवर्नर हाउस में, और मैं वज़ीर आला से भी गुजारिश करता हूँ वो भी अपने जो है दरवाज़े खोलें, अपने दिल बड़ा करें और आवाम के लिए दरवाज़े खोलें, ताकि जो है ये आवाम जो है अपना उनका सर बुलंद हो कि वाकई एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद हो यार, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। ये इससे ये फ़र्क ख़त्म होता है, इससे हजूर पाक का आखिरी खुतबा के मुताबिक काम होता है कि अरबी को अजमी को, अजमी को अरबी पर कोई फाकियत हासिल नहीं, सब बराबर इंसान है। तो ये है, इसका ये सबक देती है हमें ये जेडीसी का जो ये काम है, इसमें देखें सब साथ बैठे हुए हैं और साथ खाएंगे सब, आपने देखा होगा, ये बहुत बड़ी बात है। और इसमें ये जो इनका दस्तरखान है इसमें एक ग्रेड वाला भी खा लेता है, 20 ग्रेड वाला भी खा लेता है, बड़े से बड़ा सनतकार भी खा लेता है, बड़े से बड़ा गरीब भी खा लेता है। तो ये बहुत बड़ी बात है और इससे जो है गरीब को हिम्मत बढ़ती है और उनके जो है जज्बात जो है एहसासात जो है वो बाकायदा खुशी महसूस करते हैं कि ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए। और मैं और भी वेलफेयर तंजीमें हैं जैसे सिलानी और दीगर तंजीमें हैं, वो भी अच्छे काम कर रही हैं, लेकिन अभी और काम की ज़रूरत है। जेडीसी का काम जो है इसको देखते हुए और पूरे पाकिस्तान में और काम होना चाहिए माशाल्लाह।